हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज अपन एडजेक्टिव फिनिश कर दिया था, आज आ गए अपन एडवर्ब पे। पहले तो देखिए एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, किस किस कौन कौन से एडवर्ब हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़िए इसके। देखो, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड एडवर्ब के प्रकार। तो देखो, पहले तो ये बताइए एडवर्ब किसके लिए आता है। यह एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ना, एडवर्स ऑफ टाइम्स। देखो, एडवर्स टाइम्स क्या होते हैं, एडवर्स ऑफ टाइम जो समय के बारे में, एडवर्ब का अर्थ क्या होता है, क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी जो समय को बताएंगे वो आपको क्रिया विशेषण के रूप में आपका एडवर्ब कहलाएंगे। जैसे टूडे, टूडे आज, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। टूमारो आने वाला कल, यस्टरडे। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट लास्ट मंथ, लास्ट नाइट लास्ट नाइट लास्ट वीक, लास्ट कोई सा भी आ सकता है, लास्ट मंथ, ये नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ये भी आ सकता है। लेट यानी देरी से, लेटली यानी देरिता से। एक नाउ यानी अभी, अब किसको बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं सभी। जस्ट यानी अभी अभी, एगो पहले, डेली रोजाना, ऑलरेडी पहले से ही, अर्ली यानी जल्दी से, सून यानी शीघ्र, द डे आफ्टर टुमारो आने वाले दिन, आने वाला आने वाले दिन के बाद, है ना, ये भी क्या है, समय को दर्शा रहा है। एट प्रेजेंट, है ना, एट प्रेजेंट वर्तमान में, प्रेजेंटली यानी प्रस्तुत करना, शॉर्टली है ना अभी, शॉर्टली यानी अभी दर्शाना, रिसेंटली हाल की घटना, इंस्टेंटली लगातार, वो भी किसको बताएगा, टाइम को, बिफोर पहले, ये भी टाइम को दर्शा रहा है, सिंस ये भी टाइम को दर्शा रहा है, यदि फोर आ जाए ये भी टाइम को दर्शाएगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम आपकी हो चुकी है, इसके बारे में एडवर्ब ऑफ पहले, जो एडवर्ब जो स्थान के बारे में दर्शाएंगी वो आपके एडवर्ब कहलाएंगे, यानी जो स्थान के बारे में आएंगी, यानी स्थान के बारे में बताएंगे वो आपके एडवर्ब कहलाएंगी, एडवर्ब ऑफ पहले कहलाएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, हियर, एच ई आर ई, हियर यानी यहाँ। अब यहाँ क्या बता रहा है, पैलेस के बारे में बता रहा है। देयर यानी वहां, ये जगह को बता रहा है, पैलेस स्थान को बता रहा है। इंतर यानी इधर, इंतर यानी क्या होता है, इधर। तिंतर, तिंतर यानी क्या होता है, उधर, है ना। अप, अब भी आपका एडवर्ब बता रहा है। विदिन, इसमें, विदिन यानी क्या होता है, इसमें। अब ये भी इसमें यानी एक जगह बता रहा है, इसमें। इन, आउट यानी अंदर या बाहर, इन यानी क्या होता है, अंदर, और आउट यानी बाहर, अवे दूर, ये भी किसको दर्शा रहा है, पैलेस को दर्शा रहा है। डाउन, डाउन यानी क्या होता है, नीचे, ये भी आपको एडवर्ब ऑफ पैलेस को दर्शा रहा है। इसके बाद में देखिए सम पैलेस, सम वेयर, सम वेयर यानी ये स्थान को दर्शा रहा है, तो सम वेयर ये भी एडवर्ब ऑफ पैलेस हो गया। नाउ हेयर, नाउ हेयर ये भी एडवर्ब ऑफ पैलेस को दर्शा रहा है। एनी वेयर, विदाउट, विदाउट एंड बिना, जो विदाउट है ना ये पैलेस में आएगा, इसमें आएगा पैलेस में। अबव ऊपर, ऊपर नीचे, या किसको दर्शाएंगे, सब पैलेस को दर्शाएंगे। अब देखिए इसके बाद में आते हैं नंबर तीन पे, एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर यानी क्या होता है, संख्यावाची को, जो संख्यावाची दर्शाएंगे, संख्या को क्रिया विशेषण कहलाएंगे, यानी संख्यावाची क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे वंश, वंश यानी एक बार, गिनती को बता रहा है, तो वंश नंबर को बता रहा है। ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन दोबारा, सेल्डम, प्राय प्राय यानी कभी कभी आता है, प्राय यानी प्राय प्राय। तो ये देखो सेल्डम, प्राय आपका टाइम में नहीं आएगा, ये किसमें आएगा, एडवर्ब ऑफ नंबर में आएगा, टाइम, ये सेल्डम। इसी प्रकार ऑलवेज, हमेशा, हमेशा किसको दर्शा रहा है, नंबर को दर्शाएगा, है ना, संख्यावाची को। एक देखिए नेवर, कभी नहीं। ऑफ्टन, ऑफ्टन यानी क्या होता है, प्राय कभी कभी। फ्रीक्वेंटली बार बार, बार बार तब बताया गया है ना, बार बार यानी पुनरावृत्ति, काउंटिंग यानी नंबर सिस्टम को बताया गया। फर्स्टली पहला, थर्डली तीसरा, है ना। तो ये आपके एडवर्ब ऑफ नंबर हो गए। इसके बाद देखो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, जो जिसमें क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में दर्शाएगा, वो आपका एडवर्ब ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। जैसे टू, टू यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा। टू यानी क्या होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, बहुत ज्यादा नहीं, यानी टू, टू टू का प्रयोग करते हैं ना, जितना की जितना। तो इसमें टू का मतलब क्या, ये क्वालिटी को दर्शा रहा है। वेरी बहुत, क्वाइट यानी शांत, क्वाइट ये मात्रा को दर्शा रहा है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता दर्शा रहा है, क्वाइट यानी शांत यानी उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषता को दर्शा रहा है। एना, एना यानी क्या था, पर्याप्त। तो ये भी किसको बताया है, क्वालिटी को। राधर यानी उसके बजाय, फेयरली स्वच्छता से, एंटायरली यानी संपूर्णता से, ये भी वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होगा। इसके बारे में देखिए ऑल टुगेदर यानी साथ साथ, ऑलमोस्ट लगभग, पार्टली पक्षपात, नियरली यानी नजदीकता, फुल्ली सो वेल, ये सब किसको दर्शाएंगे, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी को दर्शाएंगे। इसके बाद में देखिए
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर किस किस को दर्शाएंगे, ये दर्शाएंगे आपको फास्ट तेजी यानी तरीका, मैनर यानी क्या था तरीकों को दर्शाएगा, जैसे फास्ट तेजी, हार्ड कठिन रूप से, स्लोली यानी धीरे धीरे, ब्रेवरली यानी क्या होता है बहादुरी से, तो बहादुरी क्या दर्शा रहा है मैनर के दर्शा रहा है। पुलिसली यानी क्या होता है, पुलिसली का मतलब होता है मूर्खता, वाइजली यानी क्या होता है बुद्धिमता, लाउडली यानी तेजी से, इसके बाद देखिए बैडली यानी बुरी तरह, फ्लूटली यानी तीव्रता से, ब्यूटीफुल एंड सुंदरता, ये भी इसको बता रहा है मैनर को, क्लियरली स्पष्टता, फेथफुली वफादार, सीरियसली गंभीरता से, वेल यानी अच्छा, ये भी किसके हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के। अब आ जाता है अपन एडवर्ब ऑफ रीजन, जो कारण के बारे में दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके हेंस, हेंस यानी क्या होता है अतः, हेंस यानी क्या होगा अतः, देयरफॉर, देयरफॉर यानी क्या होता है इसलिए, कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली यानी क्या होता है लगातार, है ना। इसके बाद में देखिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी एडवर्ब सकारात्मक और नकारात्मक, यानी दोनों प्रकार के होते हैं, एडवर्ब सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। कैसे, जैसे नोट, ये नोट बड़ा आता है ना, ये नोट, ये भी आपका एडवर्ब कहलाएगा। आपसे पूछ लेता है ये नोट है ये क्या होता है, ये हमेशा नेगेटिव, नेगेटिशन होता है, नकारात्मक होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये भी आपका एडवर्ब होगा। श्योरली, विश्वास है, श्योरली, श्योरली है ना, श्योरली, इसको क्या बोलेंगे श्योरली, यानी श्योरली क्या होगा एडवर्ब ऑफ अप्रिसन, श्योरली विश्वास के साथ, सर्टनली निश्चितता के साथ, ये भी किसको बता रहा है अप्रिसन को दर्शा रहा है ना। इंडीड वास्तव में, अब वास्तव में किसको दर्शाएगा अप्रिसन वास्तव, बाय नो मींस ये आपको नेगेटिव नकारात्मक दर्शाएगा, नॉट एट ऑल, सब इन सब में से कोई नहीं, इन सब में से कोई नहीं, ये दर्शाएगा आपका एडवर्ब ऑफ नेगेटिव को। इसमें देखिए यस ये दर्शाएगा एडवर्ब ऑफ अप्रिसन को, है ना। इसके बाद नो ये दर्शाएगा आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन, प्रॉपरली संभवतः है ना, प्रॉपरली शायद, ये दर्शाएगा आपका एडवर्ब ऑफ अप्रिसन को। इसी प्रकार देखिए लास्ट रहेगा इंटरगेटिव एडवर्ब, इंटरगेटिव एडवर्ब किस रूप में यूज होंगे, यानी प्रश्नवाचक के रूप में एडवर्ब कैसे आ सकते हैं, व्हेन, व्हेन आ सकता है, व्हेन एंड कब, हाउ लॉन्ग है कितनी मात्रा, व्हेन यानी कहां, व्हेन यानी कब, विंटर कब से, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितने समय, हाउ मच कितना दिन, हाउ फार कितने दूर, व्हाट द वे कितना रास्ता, व्हाई, व्हाई क्या होता है क्यों, ये सभी आपके क्या आएंगे एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ काइंड्स के प्रकार है ये सभी, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। यदि ये वाक्य आ जाए सेंटेंस दिखते ही तो आपको तुरंत आ जाना चाहिए क्या है एडवर्ब का प्रभाव, एडवर्ब की भूमिका निभा रही है। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय चैनल, इसी प्रकार अपन मिलते रहेंगे, इसी प्रकार लाइक एंड शेयर। देखो कुछ आपको, आपसे न तो कुछ फीस मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ये निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध है, तो इसी प्रकार अपन मिलते रहेंगे। प्लीज सभी चैनलों पर इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।